जल संसाधन विभाग के SDO वर्मा का कारनामा बना दिए 4 करोड़ की फर्जी एस्टीमेट, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। करैरा जल संसाधन उप संभाग के SDO ने फर्जी एस्टीमेट बनाकर तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों के अनुसार इस कार्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ राशि का गबन करने के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें अन्य अधिकारी भी मिले हुए हैं। मामले को लेकर बुधवार को ग्रामीण शिवपुरी आए और एक ज्ञापन प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और काम रुकवाए जाने की मांग की। नरवर तहसील के हम, मेरा गांव है ग्राम इंदरगढ़। तो क्या है आप सरपंच हैं आप? हाँ, मैं सरपंच हूँ और ग्राम विकास समिति का सदस्य भी हूँ। और इस समस्या में आए थे कि जल संसाधन विभाग ने जो ग्राम भीमपुर तहसील नरवर में जो एक तालाब था उसका जीर्णोद्धार करना था उनको, लेकिन उनने उसका उल्टा कर दिया, जबकि तालाब तो फूटा नहीं था और वो जीरो तालाब है, उससे कहीं किसी जगह को नहर नहीं है, उसका कहीं पानी नहीं लगता, सीधा सिंध नदी में पानी जाता है। और उनने क्या किया है कि जिस तालाब की पार की चौड़ाई 150 फुट थी, लेकिन उसी पार को काट कर और ऊपर से कल्टीमीटर प्लाऊ से जोत कर उसी मिट्टी को उसी में रखा दिया, और रखाने के बाद एक तो उसकी पार जो है पतली हो गई, और पतली पार हो गई और खसरी भी हो गई। उस पे जो बहुत पुराने पेड़ थे, तकरीबन 200 साल से ज़्यादा का वो तालाब था, उन बड़े बड़े पेड़ों को उनने उखाड़ के वो नष्ट कर दिए। और नष्ट करने के बाद मुख्य बात तो ये है कि उसे इतनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी, उसमें शायद SDO हैं सोनेराम वर्मा जी और सब जीनियर ई की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। हमने कलेक्टर महोदय को फोन के द्वारा बताया, इसके बाद हमने जल संसाधन विभाग पक्का डैम भोपाल के लिए बताया, ग्वालियर के लिए बताया, लेकिन कल हमको ई साहब ने बोला था कि हम काम बंद करा देंगे, लेकिन अभी हम देख के आए वो काम ज्यों की त्यों चालू है। तो कैसे चल रहा है उसमें, क्या मतलब काम होने की जरूरत नहीं है उसमें, उसके बाद काम तो उसमें होने की जरूरत थी ही नहीं, वो तो बहुत पक्की बहुत पुरानी 80 डैम की तरह कच्चा डैम वो तालाब है, उसमें काम की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, उसमें तो जो है सिर्फ पैसा व्यस्त जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की कगार पर उस तालाब को चढ़ा दिया, हमें इस बात का दुख है। आप यही बात कैसे कह सकते हो कि उसकी टूट फूट नहीं हुई होगी? नहीं, उसकी टूट फूट हुई ही नहीं है, हम तो रोजाना देखते हैं वहाँ। आपके पास तो वीडियो फुटेज वगैरह कुछ है? हाँ, वीडियो कल हमने मीडिया को बताया था, हमारी जो नरवर की मीडिया थी, तो उस मीडिया की आज ही निकलेगी, कल मीडिया शायद हम लोग वहाँ गए थे तो उनने बोला था कि कल समाचार में निकल जाएगी। और उसकी तो टोटल पार को काट दिया और अब तालाब फूटने की कगार पे है, क्योंकि उस तालाब है? ये भीमपुर गोपलिया का तालाब है, ये पूरी पट्टे की जमीन है और उसमें पूरी किसानों की जमीन है, और उस जमीन को यदि इनने इस प्रकार से किया तो जमीन नष्ट हो जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस काम को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। एक पे डंडा उठा दिया और एक तरफ जो विशेष टूटा था उस तरफ उसका बियर टूटा नहीं था, उनने विशेष पहले उसको तोड़ा, फिर उसकी फोटो फुटेज ली, और फिर उसके द्वारा जो है उसका मास्टर बनाया गया, और मास्टर बना के अब उसको काम शुरू कर दिया। तो ये गांव वालों ने उनको रोका कि साहब जी, बने हुए तालाब को क्यों तोड़ रहे? बोले इसका हम बियर बना रहे। तो ये है कि हम तो इस बात को चाहते हैं कि तत्काल जो हमारे ग्राम भीमपुर का तालाब भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ गया, इसको रोका जाए, और इसको नहीं रोका तो आज तो हम ADM महोदय के यहाँ, कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन कलेक्टर महोदय नहीं मिले, हमने ADM साहब को दिया, और ADM के अलावा अगर हमारा नहीं हुआ तो हम जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, लेकिन हम ताल को बर्बाद नहीं होने देंगे। परिवार आप कहाँ के सरपंच हो, किस गांव के? मेरा गांव है इंदरगढ़, मैं एक समाज सेवी हूँ, ग्राम विकास समिति का सदस्य हूँ,
और मेरी ही देख रेख में और विधायक प्रतिनिधि हूँ तो उस देखने का मेरा कर्तव्य बनता है। विधायक प्रतिनिधि का मतलब है यदि विधायक उस जगह उपस्थित न हो, प्रतिनिधि पहुंचता है तो प्रतिनिधि विधायक का ही। इसकी जानकारी बिना दी थी क्या आपको? विधायक जी ने दी थी मुझे। विधायक जी ने कहा था कि आप भीमपुर तालाब तेरे जिला पंचायत की वार्ड में जो स्टेट टाइप के चार तालाब थे, भीमपुर, सरकड़पुर, शेरगढ़ और ढिगवास, वहाँ पर जल संसाधन विभाग के कुछ कर्ता धर्ता अधिकारियों ने, उसमें एक मेन अधिकारी है, SDO है सोनेराम वर्मा, उनने बरसा में बाढ़ के समय में झूठा प्रोजेक्ट बना के 4 करोड़ का और उन तालाबों की मरम्मत के नाम पर 4 करोड़ रुपए हड़पने का प्लान उनका चल रहा है मिली भगत के कारण। किसानों ने मेरे लिए बताया, क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जब मैंने देखा तो पुरानी पार को खोद के नई बनाई जा रही है। तो हम आज ADM कलेक्टर शिवपुरी को अवगत कराने आए थे तो कलेक्टर साहब नहीं मिले, तो ADM साहब के लिए आवेदन दिया है फ़ोन पे, ई पक्का बांध जल संसाधन विभाग के लिए भी अवगत कराया, सी ग्वालियर के लिए भी अवगत कराया और ENC भोपाल के लिए भी अवगत कराया। आज कल ही ने आश्वासन दिया था कि काम रोक दिया जाएगा, मगर ठेकेदार प्रेजेंट में वहाँ और सोनेराम वर्मा प्रेजेंट में काम कर रहा है। यदि काम नहीं रुका, इस निर्माण उसके घोटाले की यदि जाँच नहीं हुई, हम लोग शिवपुरी जिले में नहीं मध्य प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।